दिवाली का मेन रिचुअल है माँ लक्ष्मी का पूजन, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती रहे। मगर इससे पहले माँ लक्ष्मी हमारे घर आए, हमको एक और देवता को खुश करके अपने जीवन में बुलाना है, उनकी पूजा करके उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। क्योंकि अगर इनकी कृपा हम पर नहीं रही तो लक्ष्मी माँ जितनी तेजी से आती हैं उतनी ही तेजी से चली भी जाती हैं। यहाँ हम अच्छी सेहत के देवता भगवान धन्वंतरी की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन से पहले भगवान धन्वंतरी का पूजन जरूरी है, ताकि हम पूरी तरह से हेल्दी होकर लाइफ में आने वाली प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करें। वरना हमारे पैसे सिर्फ दवाइयों, डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल्स के बिल्स में ही खर्च होते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा का दिन है दिवाली फेस्टिवल का पहला त्योहार, धन त्रयोदशी या धन तेरस। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के या यूं कहें मेडिकल साइंस के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी भगवान के अलावा इस दिन धन के स्वामी कुबेर की और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, साथ ही यमराज को खुश करने के लिए उनके नाम का भी दिया जलाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मृत्यु का डर दूर होता है और जिंदगी लंबी और हेल्दी होती है। आप तो जानते ही हैं, हर पूजा की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा से होती है। ऐसा करने से वो हमारे सभी विघ्न, सारी बाधाएं दूर करते हैं और हमारी पूजा को, हमारे हर काम को सफल करते हैं। तो इस पूजन की शुरुआत भी गणपति जी की पूजा से ही होती है। धनतेरस को मनाने के पीछे यही मान्यता है कि लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने से पहले अच्छी सेहत को बुलाएं और मृत्यु को, अशुभ चीजों को और बुराइयों को अपने से दूर रखें। क्योंकि कुबेर भगवान को धन के साथ साथ बुरी शक्तियों को दूर करने वाला देवता भी कहा जाता है। पुराणों की माने तो धन्वंतरी भगवान और तीनों लोकों से लुप्त हो गई माता लक्ष्मी, दोनों का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। समुद्र मंथन की कहानी के अनुसार भगवान विष्णु को संसार के लोगों का भला करने के लिए कुछ शक्तियों की जरूरत थी जो समुद्र में छिपी हुई थी। उनको बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने देवता और दानवों से समुद्र मंथन करवाया था। इसके लिए उन्होंने बड़े मंदार पर्वत की मथनी बनाई और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन के लिए इस्तेमाल किया। नाग के एक तरफ देवता खड़े हुए थे और दूसरी तरफ दानव, और इस तरह समुद्र मंथन कर समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया, ताकि वो समुद्र में नीचे न दबे। इस समुद्र मंथन में कुल 14 बेशकीमती चीजें और शक्तियां मिलीं, जिनका इस्तेमाल इस दुनिया के भले के लिए करना था। जो जो चीजें मिली वो इस तरह थी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में उतार लिया और वहीं रोक कर रख लिया। दूसरी मिली कामधेनु गाय, जिसने इंसानी सभ्यता का गाय के रूप में बहुत भला किया। इसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला और बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, पंचजन्य शंख, पारिजात, सारंग धनुष जो आगे चलकर भगवान राम का धनुष बना, साथ ही मिले माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही निकले थे और माता लक्ष्मी बड़ी दिवाली की अमावस्या को प्रकट हुई थीं। इसी कारण त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और अमावस्या पर माता लक्ष्मी की। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का ही अंश अवतार कहा जाता है, यानी उन्होंने अपने एक हिस्से से ही भगवान धन्वंतरी को बनाया और उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिससे संसार को बीमारियों से छुटकारा मिल सके। वो लोगों को बीमारियों,
दुखों से बचाने और उन्हें एक लंबी और हेल्दी लाइफ देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा बाकी लोगों के साथ साथ पूरे भारत के आयुर्वेद डॉक्टर्स भी करते हैं। विष्णु भगवान इस संसार का पालन करते हैं और माँ लक्ष्मी पालन के लिए जरूरी संसाधन देती हैं। भगवान विष्णु धर्म मर्यादा के स्वामी हैं, अच्छे गुणों को देने वाले हैं। उनकी भक्ति से हमारी सोच, व्यवहार, काम, आदतें सभी अच्छी होती हैं। जो कोई भी भगवान विष्णु के इन गुणों को अपनाता है, लक्ष्मी माता खुद उस पर कृपा करती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो बुरे होते हुए भी बहुत अमीर हैं? तो इसका जवाब गीता में लिखा है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता जरूर है। अमीर और शक्तिशाली तो रावण भी था, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ ये आप सब जानते हैं। माता लक्ष्मी वहीं टिकती हैं और अच्छे फल देती हैं जहां विष्णु भगवान होते हैं, यानी धर्म और मर्यादा जहां होती है वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। वरना माँ लक्ष्मी के होने पर भी इंसान को सुख शांति नहीं मिलती। धनतेरस के साथ माता लक्ष्मी की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी जुड़ी हुई है। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं धरती पर विजिट के लिए जा रहा हूँ। ऐसे में माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने की जिद की। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें साथ तो ले चलूंगा, लेकिन वहां पर मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसे ही करना होगा। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी धरती पर पहुंच गए। एक जगह दोनों बैठे हुए थे, तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी मैं साउथ की डायरेक्शन में किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, तब तक तुम यहीं पर बैठी रहना। भगवान विष्णु जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में आया कि ऐसी कौन सी जगह भगवान गए जहां पर उन्होंने मुझे भी आने से मना कर दिया। बात का पता लगाने के लिए वो भगवान विष्णु के पीछे पीछे चली गईं। रास्ते में उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। माता लक्ष्मी का मन उनको खाने का हुआ तो वो उस खेत से गन्ने लेकर चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया और वो लक्ष्मी माता पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि तुमने किसान के खेत से बिना पूछे गन्ने ले लिए, ये चोरी है। तुम खुद धन की देवी हो और तुम ही ऐसा करोगी तो बाकी लोग क्या करेंगे। माता लक्ष्मी हैरान रह गईं, क्योंकि वो तो खुद को और विष्णु जी को इस संसार का चालक मानती थीं। मगर विष्णु जी का कहना था कि ये गन्ना किसान की मेहनत से पैदा हुआ है, इसलिए ये उसका है और उससे पूछे बिना, उसे इसकी कीमत दिए बिना खाना चोरी है, पाप है। इसीलिए भगवान विष्णु ने नियमों के तहत माता लक्ष्मी को सजा दी और कहा, अब 12 वर्षों तक तुम्हें इस किसान के घर में ही रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को किसान के घर छोड़कर अपने धाम चले गए। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन माता लक्ष्मी के आने से उसके दिन बदल गए और वो हर तरह की सुख और समृद्धि से संपन्न हो गया। जल्दी ही 12 वर्ष पूरे हो गए और लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुईं तो किसान ने उनसे प्रार्थना की, हे माता आप मेरे घर से मत जाइए। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा, कल धनतेरस है और अगर तुम अपने घर को साफ करके गोबर से लीप कर एक कलश में चांदी का सिक्का रख कर मेरा पूजन करोगे तो मेरा तुम पर आशीर्वाद हमेशा रहेगा और तुम्हारी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही संसार में जो भी भक्त धनतेरस के दिन इसी तरह से मेरी पूजा करेगा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के कहे अनुसार ही किसान ने माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की और वो हमेशा सुखी और संपन्न रहा। कहते हैं तब से धनतेरस पर धनवंतरी भगवान और कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। दोस्तों, धनतेरस और माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा आपने सुन ली।